नमस्कार, मेरा नाम है देवांशु तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव उत्तराखंड। भिक्षावृत्ति पर प्रभावी रोकथाम और जनता को भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को भिक्षा न दिए जाने के संबंध में जागरूकता दिलाने और भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के पुनर्वास हेतु देहरादून में 2 माह का अभियान ऑपरेशन मुक्ति चलाया जा रहा है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। ऑपरेशन मुक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर बच्चों द्वारा की जा रही भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति पर प्रभावी रोकथाम कर भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों का पुनर्वास करना था, जिसमें अभियान को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। भिक्षावृत्ति पर प्रभावी रोकथाम अभियान के दौरान देहरादून के महत्वपूर्ण भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर, जहाँ पर बच्चों द्वारा भिक्षावृत्ति किए जाने की अधिक संभावना रहती थी, अभियान के दौरान प्रथम चरण में ऐसे स्थानों से 292 बच्चों को भीख मांगने, कूड़ा बीनने, गुब्बारे बेचने आदि के कार्य में चिन्हित किया गया है। इन बच्चों में 67 बच्चों को भिन्न भिन्न स्कूलों में एडमिशन दिलवाया गया। 42 बच्चे जिनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब होने के कारण उन्हें आर्थिक सहायता दिलाए जाने हेतु बाल कल्याण अधिकार संरक्षण आयोग उत्तराखंड को रिपोर्ट प्रेषित की गई। निवेदिता कुग्रेती कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून महोदया से शिष्टाचार भेंट की गई। शिष्टाचार भेंट के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा उपस्थित बच्चों को टी शर्ट वितरित की गई। महोदया द्वारा बच्चों को संबोधित करते हुए बताया गया कि प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा ग्रहण करना नितांत आवश्यक है। शिक्षा का आज के जीवन में अत्यधिक महत्व है। देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ी बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे लाइव उत्तराखंड, खबरें उत्तराखंड की। उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें।